उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जो लिस्ट सामने आई है उसके तहत गंगोह से कीरत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, रामपुर से भारत भूषण गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, लखनऊ कैंट से सुरेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। सभी सीटों पर 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और कल नामांकन की आखिरी तारीख भी है। इस लिहाज से पहले से यह तय माना जा रहा था कि आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो ही जाएगा। पिछले काफी दिनों से इसको लेकर माथापच्ची भी हो रही थी और प्रदेश स्तर पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर भी जारी था और आखिरकार अब नाम सामने आ गए हैं। 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। रामपुर से भरत भूषण गुप्ता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इगलास से राजकुमार सहयोगी को टिकट मिला है। वहीं लखनऊ कैंट से सुरेश तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। घोसी से विजय राजभर को टिकट मिला है। मानिकपुर की बात करें तो यहां से आनंद शुक्ला को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जयपुर से अमरीश रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिन पर बीजेपी हाईकमान ने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और उसी के आधार पर उम्मीदवारी फाइनल हो गई है। 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जलालपुर से राजेश सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं, कल नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में तय था कि नाम तो सामने आएंगे। इस नामों के सामने आने के बाद क्या क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसके तहत ये नाम फाइनल हो पाए? देखिए, फिलहाल गंगोह से कीरत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, रामपुर से भारत भूषण गुप्ता है उनको उम्मीदवार बनाया गया है, लखनऊ कैंट से सुरेश तिवारी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था उनको उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि सुरेश तिवारी लखनऊ कैंट से विधायक रह भी चुके हैं, ऐसे में उनकी अच्छी बैठ मानी जाती है और उनके नाम को लेकर सहमति भी थी। और इसी तरह से आनंद शुक्ला को अमृतपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, घोसी क्योंकि घोसी सीट जीतना बहुत ज्यादा अहम है भाजपा के लिए, यही वजह है कि विजय राजभर को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार प्रवासी टेवर रखे हुए हैं और भाजपा के सहयोगी दल कभी हुआ करते थे लेकिन अब उनके धूल विरोधी माने जाते हैं और यही वजह है कि विजय राजभर को वहां से उतार कर एक तरह का जो है समीकरण जो है बताने की कोशिश की गई है भाजपा की तरफ से। राजेश सिंह को जलालपुर से टिकट दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि चूंकि जौनपुर और मछली शहर के बीच में इलाका है जलालपुर, यहाँ पर समीकरण जो है ये राजेश सिंह के अनुसार जो है वो बैठता हुआ दिखाई पड़ा है। शायद यही वजह थी कि राजेश सिंह को यहाँ का मुद्दा बनाया गया, सरोज होलकर को सलाह से जो सुरक्षित सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। ये जो समीकरण है इससे इसकी बिल्कुल साफ है कि बहुत मंथन किया गया है, कई नामों का पैनल था, उन नामों के पैनल को जो है पूरा बकायदा मंथन करके फाइनल लिस्ट बनाई गई है और फिलहाल उपचुनाव को लेकर ये जो उम्मीदवार है इनकी घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल विशाल, जिताओ उम्मीदवार और जातीय समीकरण, ये दो कहीं ना कहीं सबसे बड़े फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। विशाल, मैं चर्चा करना चाहूंगा एक बार फिर से रामपुर सीट की, जिसको लेकर पिछले दिनों जिस तरह से जया प्रदा की सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, कयास तो लगाए जा रहे थे लेकिन आखिरकार नाम फाइनल हुआ भारत भूषण गुप्ता का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर रामपुर से चूंकि कई बार कयास भी लगाए जाए थे कि हो सकता है कि जया प्रदा को वहां से चुनाव लड़ाया जाए लेकिन चूंकि आजम खान की छोड़ी हुई सीट है ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहां पर फाइट बहुत टफ होगी, खासतौर से अगर मुस्लिम आबादी के हिसाब से देखा जाए या वहां से जो जाति समीकरण देखा जाए तो उसके अनुसार मुस्लिम कैंडिडेट अन्य दल उतार सकते हैं। इस बात को लेकर भाजपा के जो तमाम बड़े अधिकारी थे पदाधिकारी उनका ये मंथन पहले से ही था और यही वजह थी कि मौलियापनम में भारत भूषण गुप्ता जो है उनको उतार कर एक तरह का दाव खेलने की कोशिश की गई है और इसी तरह गंगोह से कीरत सिंह को टिकट दिया गया है। तो हर तरफ का समीकरण जो है बहुत ध्यान रखा गया है, सब चीजों को राजनीतिक जो इस वक्त स्थितियां चल रही है
उन मौजूदा स्थितियों में कौन उम्मीदवार सटीक होगा, बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकेगा, उसके आधार पर टिकट से बंटवारा किया गया है। जी विशाल, एक और अहम बात है कि जिस तरह से हम पहले चर्चा कर रहे थे कि पिछले उपचुनावों में हमीरपुर से पहले जितने उपचुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, और यही वजह है कि इस बार पहले से ही होमवर्क किया जा रहा था कि कौन उम्मीदवार होगा, और कार्यकर्ता भी लगातार अलर्ट मोड में अपने अपने एरिया में दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर इस बार भाजपा बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव के नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं भाजपा के लिए, और यही वजह है कि भाजपा अब इस पर मंथन कर रही थी। उपचुनाव के नामों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि पूरा जो नेतृत्व है चाहे यूपी का हो या केंद्र, इस पर मंथन किया हो और उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर कई कई बार बैठकें हुई, चर्चा हुई, प्रभारी मंत्री बनाए गए कि अब प्रभारी मंत्री जो है वो चुनाव संभालेंगे और जो सांसद हो चुके हैं जो विशाल, आप विशाल आप बने रहिए, हम दर्शकों को यही बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो किया है, लेकिन प्रतापगढ़ में विशाल अभी तक पेश क्यों फंसा हुआ है? देखिए प्रतापगढ़ में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि अपना दल को लेकर लगातार जो समीकरण चल रहे थे कि सहयोगी दल के तौर पर अपना दल को सीट दी जा सकती है, इस पर अभी फाइनल जो है ये कहा जा सकता है कि निर्णय नहीं हुआ। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अपना दल के खाते में ये सीट जा सकती है क्योंकि अनुप्रिया पटेल सहयोगी दल के तौर पर है, और जिस तरह से या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुप्रिया को जगह दी गई है और ना ही यूपी में उनके पति एमएलसी जो है आशीष उनको जगह दी गई यूपी मंत्रिमंडल में, तो जाहिर सी बात है माना जा रहा है कि हो सकता है कि अपना दल के लिए वो सीट छोड़ दी जाए और उसका जो है आम सहमति बन गई हो, और देर शाम तक ये माना जा रहा है कि इस पर एक फाइनल फैसला भी हो जाएगा। बिल्कुल, देर शाम तक जो है इस पर भी फैसला आ जाएगा क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, इस लिहाज से तय है कि जो 11वें उम्मीदवार है उसका नाम भी सामने आ जाएगा, वो क्या अपना दल का उम्मीदवार होगा या फिर बीजेपी का, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए विशाल हमारे साथ, हम लगातार दर्शकों को वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जो आमने सामने होंगे, बीजेपी एसपी बीएसपी के उम्मीदवार कौन कौन से होंगे ये भी जान लीजिए। अब जरा समाजवादी पार्टी ने किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। घोसी से सुधाकर सिंह को एसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विशाल जरा एसपी की बात भी कर लेते हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं क्या फैक्टर्स रहे हैं? ठीक है, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट से उम्मीदवार घोषणा की थी, और उस वक्त जब घोषणा की थी तो सबसे पहले नाम अपर्णा यादव चला था, लेकिन जब नाम काटकर उसकी जगह पर आशीष को जो है टिकट दे दिया गया था। ऐसे में अब जो नए नामों की घोषणा, जी विशाल आप सुन पा रहे हैं मुझे, टिकट दिया है मणिकपुर से निर्भय सिंह पटेल को टिकट दिया है, गौरव रावत को जयपुर से टिकट दिया है, सुभाष राय जलालपुर से, और ब्रजेश वर्मा पटेल जो है ये प्रतापगढ़ से हैं। अगर हम ब्रजेश वर्मा पटेल की बात करते हैं प्रतापगढ़ से, तो और जो समीकरण है वहां चूंकि पटेल वोट बैंक बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि अपना दल का एक अच्छा वर्चस्व भी है, तो ऐसे में सपा ने पटेल को एक वोट जो है टिकट देकर वहां के जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। इधर सुधाकर सिंह की बात करें, घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे समाजवादी पार्टी तरफ से, तो वो भी एक बड़ा एक कह सकते हैं कि पल डालेंगे, और ये तब होगा जब बसपा भी इस बार उपचुनाव में ताल ठोक रही है। बसपा भी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस भी है, और चारों ही दल इस बार अपनी अपनी प्रतिष्ठा की सीटें मान रहे हैं, और क्योंकि एक सीट का रिजल्ट आ चुका है ऐसे में सपा ने भी मंथन किया है, मंथन करने के बाद इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, क्योंकि इन सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश सपा करेगी, और उपचुनाव में सपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसी लिहाज से इन सीटों को लेकर मंथन किया गया, और 5 जो सीटें हैं ये आज घोषित की गई। इससे पहले भी कुछ नामों की जो है घोषणा की जा चुकी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से लड़ाई जो है वो बराबरी की दिखाई पड़ेगी, और इसी कड़ी में अब जो लिस्ट है वो जल्दी जारी की जा रही है। विशाल आपसे कुछ ही देर पहले बीएसपी के नेता राजनारायण निराला जो कि उम्मीदवार भी हैं मानिकपुर विधानसभा सीट से, वो दावा कर रहे थे कि मानिकपुर तो हम निकाल लेंगे, लेकिन क्या क्या चुनौतियां हैं विपक्ष के सामने जिस तरह से हमीरपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए? 17,500 वोटों से युवराज सिंह जीतने में कामयाब रहे थे, एसपी दूसरे और बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी। देखिए अगर अभी की समीकरण देखिए, जिस तरह से अब 11 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां के मौजूदा राजनीतिक हालात पूरी तरह से अलग है। हालांकि अब अगर हम अंबेडकर नगर की बात करते हैं,
या अगर हम बात करते हैं घोसी की, तो वहाँ पर एक अलग माहौल है। खासतौर से जो मुख्तार अंसारी है, जो उनके भाई अफजाल अंसारी, उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व तो घोसी सीट पर देखने को मिलता है। इधर से अंबेडकर नगर में बसपा का गढ़ है, यहाँ तक कि मुकुल बिहारी वहाँ से चुनाव भी हार गए थे और वहाँ से रितेश पांडे चुनाव जीते थे। ऐसे में बसपा ने पहले रितेश पांडे के फादर को जो है राकेश पांडे को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने अपने टिकट मना कर दिया। ये जो राजनीतिक हालात है हर सीट के हिसाब से, क्योंकि लखनऊ कैंट की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ कैंट की सीट पर भाजपा का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन जगदीता बोहरा जो सीट कांग्रेस में थी और यहाँ चुनाव लड़ी थी वो जीत गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो भाजपा में आ गई, फिर भाजपा चुनाव लड़ी, फिर भाजपा से जीत के दिखाई वो। तो ये एक साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं से जो चयन सीट हो, चाहे वो जलालपुर की सीट हो, चाहे वो अगर बात करें घोसी की सीट हो, जैतपुर की सीट हो, मानिक सिंह, मतलब हर जगह पर जो जाति समीकरण है वो बहुत ज्यादा फर्क डाल रहे हैं। और यही वजह है कि जो हमीरपुर में जो 51% वोटिंग हुई थी उसका एक नतीजा जो देखने को ये मिला कि वोट बहुत ज्यादा प्रत्याशी नहीं पा पाए थे, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन चूंकि वोट ही कम पड़े थे इस वजह से वो मार्जिन बढ़ गया था। ऐसे में ये भी एक बड़ा समीकरण है, चूंकि उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, ऐसे में जैसे घोसी में चुनाव होगा तो वो भी उधर के इलाके भी जो है बाढ़ प्रभावित है, तो ये समीकरण जो है ये थोड़ा सा मायने काफी रखेंगे। और ये कह सकते हैं कि फिलहाल साल दोनों ही दल ठोक चुके हैं और बसपा ने पहले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, समाजवादी पार्टी ने पहले भी कुछ अपने कैंडिडेट घोषित किए थे, कांग्रेस लगातार मैदान पे है। तो ये फिलहाल समीकरण आज देखने को मिल रहा है कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने बचे हुए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बसपा पहले ही अपने प्रत्याशियों को ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस लगातार कवायद कर रही है, उसने जीत का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन विरोध के स्वर है। तो ये पूरा एक राजनीतिक समीकरण है जिनको हर दल को देखना होगा और शायद अब उम्मीदवारों के आने के बाद स्थितियां बहुत कुछ क्लियर हो सकती है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। प्रतापगढ़ को छोड़ दें तो अब लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आप मानिकपुर विधानसभा से बीजेपी, एसपी और बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम देख रहे थे। दो तस्वीरें और देख लीजिए, जरा इन तस्वीरों के मायने भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी ने 10 प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन प्रतापगढ़ सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या यहां पर अपना दल का उम्मीदवार उतरेगा? ऐसे में क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी? तमाम तरह की बातें हैं जो शाम होने तक साफ हो जाएंगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने बाकी 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 21 अक्टूबर को मतदान होगा, 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि पिछले उपचुनावों में जिस तरह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उस लिहाज से पार्टी एक एक कदम फूंक-फूंक रख रही है और पूरी संजीदगी के साथ, कर्मठता के साथ चुनावी मैदान में इस बार उतरी है। और यही वजह है कि उम्मीदवारों के नामों के फाइनल होने से पहले दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बैठकों का दौर चला और आखिरकार बीजेपी के 10 प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान हो गया है। विशाल रघुवंशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब जरा सियासी रणनीति की बात कर लें तो मतलब बिल्कुल साफ है। एक तरफ बीजेपी की निगाहें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर तो है ही, उस लिहाज से ये नतीजे कहीं ना कहीं पार्टी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे भी और उस पर असर भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात करें तो लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से दोनों पार्टियों ने अपनी राहें जुदा कर ली, चुनौती और बढ़ गई है। क्या उनकी लड़ाई नंबर दो की हो गई है अगर हम बात एसपी और बीएसपी की करें तो? देखो, ये जो चुनाव है ये 2022 के लिए ये तय कर देगा यूपी में भाजपा का विरोधी दल कौन होगा। मतलब साफ है कि फिर प्रतिद्वंदी की जो लड़ाई है वो तय करेगा ये उपचुनाव। हालांकि पहले के समीकरण अगर देखा जाए, पहले के इतिहासों को गौर किया जाए, तो उस चुनाव में ये माना जाता था कि सत्ता पक्ष जो है, जिसका उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है, वो हमेशा उपचुनाव जीते थे। लेकिन मौजूदा समय में ये राजनीतिक चीजें बदली हैं और यही वजह है कि अब उपचुनाव के नतीजे किसके फेवर में आएंगे ये किसी को नहीं पता होता है। और शायद यही वजह है कि अब 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा उपचुनाव का, और उपचुनाव की जीत हार ये तय करेगी कॉन्फिडेंस लेवल कितना बचा है, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार अपने वजूद को बचाने की जो है उसमें है, कांग्रेस कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी के सारे खड़ा होने की, बसपा अकेले लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने वोट बैंक को कितना संभाल पाई है या नहीं संभाल पाई है ये भी देखना होगा। तो इन सब समीकरणों के बीच में ये चुनाव होगा और 21 अक्टूबर को चुनाव होगा,
ठीक ठीक दिवाली से पहले जो चुनाव हो रहा है, नतीजे भी दिवाली से पहले आएंगे, तो किसकी दिवाली अच्छी होगी, किसकी दिवाली खराब होगी, ये भी तय होगा इन चुनावों में। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी ने किस किस को अपना उम्मीदवार बनाया है 10 सीटों के लिए। जी हाँ, अगर हम बात करें गंगोह सीट की, तो यहां से जो है प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की बात करें तो गंगोह से कीरत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, रामपुर से भारत भूषण गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, इगलास से राजकुमार सहयोगी को उम्मीदवार बनाया गया है, लखनऊ कैंट से सुरेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है, मानिकपुर से आनंद शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है, जैतपुर से अमरीश रावत, जलालपुर से राजेश सिंह और बला से सरोज सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी खबर यह भी आज सामने आई कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने बाकी 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रतापगढ़ सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जैसा कि विशाल हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे कि शाम होने तक जो है तस्वीर साफ हो जाएगी प्रतापगढ़ की भी। चलिए लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए। विनोद, अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि हर सीट पर हर पार्टी का उम्मीदवार लगभग सामने आ चुका है, किसके बीच चुनावी जंग होगी, 21 अक्टूबर को मतदान होगा, 24 को नतीजे आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसके दावों में कितना दम है, लेकिन उम्मीदवार अब मैदान में आ चुके हैं, बस प्रतापगढ़ बाकी रह गया है। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो विपक्ष में है, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं ये 2022 के नतीजों को तय करेंगे। इससे बहुत कुछ झलक जो है 2022 के नतीजों में दिखाई देगा। बीजेपी इसीलिए इसे बहुत सीरियसली ले रही है, आपने देखा होगा कि लगातार जो है मुख्यमंत्री दौरे कर थे, और पिछले अगर आप 15-20 दिन के दौरे देखें मुख्यमंत्री के, आई है कि पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री ने जितने दौरे किए हैं उनमें से मैक्सिमम उन विधानसभाओं को उन्होंने छूने की कोशिश की है, उन जिलों में गए हैं, उन विधानसभाओं में गए हैं जहां पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री एक तरह से खुद ही पिछले एक महीने से तैयारी कर रहे हैं, लगातार वहां पर जा रहे हैं, परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। तो बीजेपी लगातार तैयारियों में थी। पार्टी ने भी तय किया था कि हर एक मंत्री को एक प्रभारी जिला दिया गया था और जिले में उस विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, और इसके साथ ही संगठन के भी एक पदाधिकारी को प्रभार दिया गया था उन विधानसभाओं का, वो भी जमीन पर लगातार काम कर रहे थे। अब चूंकि डेट अनाउंस हो गया, पार्टी ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, तो तैयारियां ज्यादा होंगी। दूसरी तरफ बीएसपी है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। बीएसपी ने कुछ सीटों पर पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, समाजवादी पार्टी ने धीरे धीरे करके करीब 10 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी, आज 5 सीटों पर उसने भी की है, कांग्रेस के भी 7-8 सीटें जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो लगभग तस्वीर साफ हो गई है किस सीट पर किसके किसको उम्मीदवार किस पार्टी ने बनाया है। अब बात रही लड़ाई की, ये माना जा रहा है कि जो विपक्ष है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, सबके लिए बड़ी चुनौती है। इस लिहाज से भी कहा जा रहा है इसे बड़ी चुनौती, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो उपचुनाव के नतीजे होंगे उससे एक बात और क्लियर होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ कौन लड़ेगा। हर पार्टी ये चाहती है कि वो ये दिखा पाए, ये बता पाए कि वो बीजेपी के मजबूती से मुकाबला कर सकती है, बीजेपी का मुकाबला वही कर सकती है इकलौती पार्टी, ताकि उन वोटों वो वोट बैंक भी उसके पास आ जाए जो दूसरों के पास है, और कई बार विभाजन वोटों में देखने को मिलता है, तो कम से कम वोट विभाजित ना हो, और खासकर जो स्टेक है वो माइनॉरिटीज वोट को लेकर है। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि अगर जो रीजनल पार्टियां हैं एसपी बीएसपी खासकर, वो मानती है कि उनके अपने जो परंपरागत वोट बैंक है उनका जो कास्ट फैक्टर काम करता है, जिसका वोट बैंक को माना जाता है, अगर उनके साथ एडिशनल माइनॉरिटी वोट बैंक होता है, ऐड ऑन होता है, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा और कई सीटों पर ये उन्हें जीत के करीब पहुँचाता या जीत दिलाता है। तो ऐसे में माइनॉरिटी किसके साथ जाएगा, वो एसपी के साथ जाएगा या बीएसपी के साथ जाएगा, ये तय करना है, क्योंकि पिछले जब लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में तो एसपी बीएसपी दोनों साथ में थी और माइनॉरिटी उनके साथ में था। जब गठबंधन टूटा तो बीएसपी ने दावा किया कि माइनॉरिटी ने उन्हें बहुत वोट किया और उनके साथ है।
एसपी भी लगातार इस बात को लेकर दावे कर रही है और उनके साथ खड़ा होने की दावा कर रही है कि माइनॉरिटी उनके साथ है और वो माइनॉरिटी के साथ हर कदम पे खड़े रहेंगे, उनके मुद्दों को लगातार उठा रही है। अब ये नतीजे तय करेंगे लोग उपचुनाव के कि माइनॉरिटी किसके साथ गया, और वो एसपी के साथ जाता है तो एसपी की दावेदारी ज़्यादा मजबूत होगी और वो अपने आप को बतौर मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में स्टैंड कर पाएगा या बीजेपी के खिलाफ और खड़ा कर पाएगा और उसका फायदा उसको 2022 के लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव में उसको मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि इसीलिए पार्टियां जो है चाहे वो एसपी हो बीएसपी पहली बार हालांकि बाई इलेक्शन में है तो इसके लिए और बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे पहले वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी, सरकार में होने के बाद बाई इलेक्शन नहीं लड़ा कभी। को मतदान होगा, 24 को नतीजे आएंगे, काफी कुछ साफ हो पाएगा और जैसा कि विनोद और मेरे सहयोगी विशाल भी जानकारी दे रहे हैं किस तरह से विस्तार से कि आने वाले दिनों में यूपी सियासत पर इन नतीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा।